पुरंगे के करीब कार हादसे के बाद मखदूम सैयद फैसल साले हयात अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में जेर इलाज हैं। आज अलसुब सैयद फैसल साले हयात का अल्ट्रासाउंड किया गया, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार दी है। आजादार हुसैन से जानते हैं। आजादार, बताइएगा मखदूम फैसल साले हयात की सेहत के बारे में। आजादार से भी जानेंगे। अमीनपुर बंगला के करीब कार हादसे के बाद मखदूम सैयद फैसल साले हयात अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में जेर इलाज हैं। आज अलसुब फैसल साले हयात का अल्ट्रासाउंड किया गया, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार दी है। कल एक कार हादसा पेश आया था जिसके बाद मखदूम फैसल साले हयात और उनके ड्राइवर शदीद जख्मी हालत में अलाइड अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया था और अब उन्हें एमरजेंसी वार्ड से रूम में प्राइवेट रूम में मुंतकिल कर दिया गया है। आजादार हुसैन से जानते हैं। आजादार, बताइएगा इस वक्त सेहत कैसी है सैयद फैसल साले हयात की? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम सैयद फैसल साले हयात हैं जो कि लाहौर से शाहजीवना जा रहे थे और मोटर में अमीपुर बंगला के नजदीक कार हादसे का शिकार होकर फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में पहुंचे थे। उस वक्त ये अलाइड अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में जेर इलाज हैं और आज सुबह 6 बजे अस्पताल इंतजामिया की जानब से इनका अल्ट्रासाउंड करवाया गया है जिसमें इनकी जो रिपोर्ट है वो तसली बख्श आई है। सिटी स्कैन और एक्सरे जो करवाया गया है अस्पताल इंतजामिया की जानब से वहाँ पर उसमें भी जो रिपोर्ट है वो अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि तसली बख्श है। पहले इन्हें लाहौर मुंतकिल करने का जो इनके छोटे भाई थे मखदूम सैयद असद हयात उनकी जान से ये कहा जा रहा था कि मैं अपने भाई मखदूम सैयद फैसल साले हयात को लाहौर लेकर जाना चाहता हूँ इलाज के लिए, मगर बाद उन्हें जो था मुतमिन होते हुए ये कहा कि मैं अलाइड अस्पताल इंतजामिया से मुतमिन हूँ, मैं अपने भाई का यहीं पर इलाज करवाना चाहता हूँ। जो प्रोफेसर अकमल हुसैन है जो कि मखदूम सैयद फैसल साले हयात का इलाज कर रहे हैं, सारे वाक्य को देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अब से कुछ देर के बाद ही मखदूम सैयद फैसल साले हयात के हवाले से जो है। शुक्रिया आपका।